Good morning, class 10th. How are you? Today I am going to start a new unit with you. And due to some unavoidable circumstances, I wasn't able to start this unit earlier. That means yesterday. Today I am going to start and going to talk about the participants of the civil disobedience movement. This is unit 3.2 of your chapter. I have sent you an assignment up to unit 3.1. Hopefully you all have gone through it. Today, when I talk about the participants, then I will be first of all going to talk about peasants' participation. Peasants ka agar hum waise baat karte hain, to hum Hindi mein iske liye word use karte hain kisan. Kisanon ka kis prakar se participation tha during the civil disobedience movement. Iske liye humne peasants ko ab do parts mein baant diya hai. Number one is the rich peasants. Number two is the poor peasants. First of all, I will only be discussing with you about the participation of the rich peasants. जब मैं rich peasants की बात करूंगी तो यहां पर rich peasants जो थे वो basically उत्तर प्रदेश और गुजरात को belong करते थे. गुजरात के rich community का नाम था पाटीदास and उत्तर प्रदेश की rich community का नाम था जाट्स. So the rich peasants from Uttar Pradesh and Gujarat, that means Jats and Patidars, they were the producers of commercial crops. Commercial crops से हमारा मतलब होता है वो crops जिनको बेचा जाता है. इनको market में large scale पर बेचा जाता था और large scale पर पैसे earn किए जाते थे. अब अगर आपको याद हो तो हम अपने previous sections में कर चुके हैं. Economic depression या great economic depression जो है वो 1929 में आया था, जिसके कारण से हमने कुछ इम्पैक्ट किया था. हमने ये पढ़ा था कि एक्सपोर्ट्स जो हैं दे फेल डाउन. बिसाइड्स दिस, एग्रीकल्चर प्राइसेस की जो इनकम थी या जो भी उसके दाम थे वो डिक्लाइन हो गए थे. ऐसे में ये जो रिच पीजेंट्स थे दे वर इन ट्रबल, दे वर हार्ड हिट बाय द इकोनॉमिक डिप्रेशन. दे वर बेसिकली वर्ड अबाउट द फॉलिंग प्राइसेस ऑब्वियसली ऑफ देयर क्रॉप्स. इनकी जो कैश इनकम थी वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगी थी. लोगों ने फ्यूचर में प्रॉमिस देने का वादा किया था लेकिन हाल फिलहाल में इनके पास इनकम अवेलेबल नहीं थी. ऐसे में इन लोगों ने ये कहा कि हमारे रेमिट कर दिया जाए, या आप कह सकते हैं माफ करना, वेव ऑफ कर दिया जाए, वेव ऑफ कर दिया जाए हमारे रेवेन्यू को. गॉट इट? लेकिन गवर्नमेंट ने इनकी इस डिमांड को रिफ्यूज कर दिया. गवर्नमेंट ने कहा नहीं, तुम्हें जैसे तुम रेवेन्यू पे करते थे, जितना तुम टैक्स पे करते थे, तुम्हें उतना तो पे करना पड़ेगा. अब ये परेशान हो गए कि ये किस तरीके से अपनी इनकम को पे ऑफ करेंगे. ऐसे में जब गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की अनाउंसमेंट की तो दे बिकेम वेरी मच एंथुसियास्टिक. इन्हें बहुत ज्यादा खुशी हुई कि अब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, कानून तोड़ने वाली मूवमेंट में गांधी जी का साथ देंगे. एंड दे थॉट दैट इट इज अ मूवमेंट, इट इज अ स्ट्रगल अगेंस्ट द हाई रेवेन्यूज. दे एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेटेड. यहां तक सब ठीक है जब तक 1930 चल रहा है. देन कम्स द ईयर 1931. हम अपनी पिछली क्लासेस में कर चुके हैं कि गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था. उस पैक्ट के हिसाब से अचानक गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर लिया था. व्हेन गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट तो ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड पुटिंग प्रेशर ऑन दीज रिच पीजेंट्स दैट नाउ यू हैव टू पे ऑल योर रेवेन्यू विच यू हैवंट पेड सिंस 1929. बेटा एक दिन का किराया, एक महीने का किराया, एक मंथ की सैलरी देना आसान होता है, लेकिन अगर अचानक से आपको पूरे साल भर का रेवेन्यू देना पड़ जाए या दो साल का रेवेन्यू देना पड़ जाए तो यू फील लाइक कि हम कहां से इनकम लाएंगे. अल्टीमेटली दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड एज आई हैव रिटन. सो व्हेन गांधी जी रीस्टार्टेड दिस मूवमेंट आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दे डिसअप्रूव द मूवमेंट, दे रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट. जब हम रिच पीजेंट्स की पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में ही भी आ सकता है और एज अ पार्ट भी आ सकता है.
पार्ट इसलिए आ सकता है क्योंकि जहां एक तरफ रिच पीजेंट्स का पार्टिसिपेशन था, दूसरी ही तरफ पुअर पीजेंट्स का भी पार्टिसिपेशन था। व्हेन वी टॉक अबाउट पुअर पीजेंट्स, ऑफकोर्स ये पीजेंट्स की हमेशा से डिमांड होती है, दे वर ऑल्सो डिमांडिंग टू लोअर डाउन देयर रेवेन्यू। बट इन पुअर पीजेंट्री में बहुत सारे पीजेंट्स वर देयर, दोज हु डोंट ओ लैंड, जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी, दे वर्क एज अ टेनेंट फार्मर्स, जो दूसरों के जमीन पर किराए पर लेकर खेती किया करते थे। अल्टीमेटली वेन द रिच पीजेंट्स वर नॉट इवन एबल टू कोप अप विद द कैश इनकम डिसअपीयरेंस, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि इन स्मॉल पीजेंट्स वर नॉट इफेक्टेड ड्यू टू इकोनॉमिक डिप्रेशन, देयर इनकम्स वर ऑल्सो ड्विंडलिंग। इनके इनकम्स पे ड्विंडलिंग का मतलब होता है कच्चा मुचड़ा हो जाना, ठीक है, कंफ्यूजन थी। दे वर ऑल्सो फाइंड डिफिकल्ट टू पे द रेवेन्यूज प्लस द टैक्सेस प्लस द रेंट, किराया जो रिच पीजेंट्स को इन्हें पे करना था। इनके डिमांड में सिर्फ इतना नहीं था कि रेवेन्यू को माफ कर दिया जाए, इनकी डिमांड इंक्लूड करती थी कि जो अनपेड रेंट है या जो रेंट आगे इन्हें देना पड़ेगा फॉर डूइंग कल्टीवेशन और फॉर डूइंग फॉर वर्किंग एज अ टेनेंट फार्मर, इट शुड ऑल्सो बी रेमिटेड, इसको भी माफ कर दिया जाए। दे ऑल्सो गॉट फ्यू ऑफ द सपोर्ट ऑफ द सोशलिस्ट एज वेल एज कम्युनिस्ट लीडर्स, इनको कुछ सपोर्ट भी मिला था। बट यहां एक प्रॉब्लम थी, कांग्रेस इस बात के लिए सहमत नहीं थी। कांग्रेस को ये लगता था कि अगर वो पुअर पीजेंट्स की इस डिमांड को मानेंगे, किस डिमांड को मानेंगे, रेंट वाली डिमांड को मानेंगे, तो वो रिच पीजेंट्स को अपसेट कर देंगे। और रिच पीजेंट्स हमेशा से थोड़ा सा बेटर बिहेव कर रहे हैं, कांग्रेस गाइडलाइंस के हिसाब से चलते हैं एज कंपेयर टू द पुअर पीजेंट्स। सो जब जितनी देर तक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चली, इट बिगैन विद द 6 अप्रैल 1930 टिल गांधी इरविन पैक्ट, देन रीस्टार्टेड, देन रीस्टॉप्ड और रिकॉल्ड ऑफ, जितना भी पार्टिसिपेशन रहा इसमें कांग्रेस और पीजेंट्स का रिलेशन इधर आ जाएगा, कांग्रेस प्लस पीजेंट्स का रिलेशन अनसर्टन रहा। अनसर्टन का मतलब है ना तो दोस्ती वाला और ना झगड़े वाला। तो गाइज, दिस इज माई फर्स्ट वीडियो, दिस इज माई फर्स्ट टॉपिक जिसमें हम करेंगे पीजेंट्स पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आप प्लीज अपनी बुक्स में से ये पैराग्राफ पढ़ेंगे, दीज इंक्लूड द फर्स्ट टू पैराग्राफ्स ऑफ यूनिट 3.2। थैंक यू बॉयज एंड गर्ल्स।